अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाने वाली मेघना सिंह ने साबित कर दिया है कि यदि कुछ करने का हौसला व जज्बा हो तो सफलता कदम चूमती है। टीम इंडिया में चयन होने पर मेघना सिंह को बिजनौर नेहरू स्टेडियम में बुलाकर सम्मानित किया गया है। भाजपा जिला अध्यक्ष सुभाष वाल्मीकि ने दादी आशा सिंह, माता रीना सिंह, बहन व भाई को भी सम्मानित किया है। मेघना सिंह का नाम ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए महिला क्रिकेट की राष्ट्रीय टीम में हुआ है। मेघना के चयन होने पर बिजनौर जिले में खुशी का माहौल है। जनपद में लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। मेघना सिंह ने पूरे जिले का नाम रोशन किया है। आशा सिंह, मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है उसके ऊपर, और इतनी मेहनत उस लड़की ने करी है कि 50 किलोमीटर डेली आना जाना करती थी, और हम लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है उसके साथ, क्यों कि हम लोगों ने उसे कभी रोका नहीं कि लड़की है हम नहीं खेलने लें, लेकिन हमने कभी रोका नहीं। तब आज उस मकाम पर पहुँचिए कि वो नेशनल लेवल पर पहुँचिए। कैसा लगता है आपको कि आप? हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है उसके ऊपर। 19 तारीख को वो ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी और तीनों टीमों में सेलेक्ट हुई, वनडे में भी, टेस्ट में भी और 2020 में। काफ़ी खुशी का माहौल होगा घर पे? हमारे घर बहुत खुशी का माहौल है, हमारे घर के पूरे गांव में खुशी का माहौल। शुरू से तांता लगा हुआ है मेरे घर पे, जब से बच्चे थे मैंने सुनी है मेघना की भी इसका सिलेक्शन हो गया है, जैसे सुबह से बधाई बधाई दे रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं घर पे, लेकिन मेरी बच्ची जो है मेहनत बहुत कर रही है, उसने पसीना बहा है तब यहाँ से हमारे का जो सपना था, हम लोगों का भी सपना जो था वो कामयाब हो गया। ये बताइए, ये महिला क्रिकेट टीम में मेघना सिंह का चयन हुआ है, आप स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या रिएक्शन है आपका? आज जब से सुबह से पता लगा है पूरे स्टेडियम में और पूरे ज़िले में सिर्फ यही चर्चा है कि मेघना सिंह का सिलेक्शन इंडिया टीम में हुआ है, और मुझे तो इतनी खुशी है कि एक बिजनौर की खिलाड़ी इंडिया टीम में जब खेलेगी तो मैच देखने का आनंद ही कुछ और होगा। और मैंने जैसे ही मुझे पता लगा, इनके जो कोच रहे हैं श्री लक्षराज त्यागी जी हमारे विभाग में हमारे सीनियर हैं, मैंने तुरंत फ़ोन मिला के उनसे बात की, तो मुझे बताया लक्षराज त्यागी जी ने बताया सर ये तो 2-3 साल पहले सेलेक्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ प्रैक्टिस में कमियां रह गई या कुछ लापरवाही हुई है, और बहुत टैलेंटेड लड़की है, इससे उम्मीद की जा रही है कि आगे भी बहुत अच्छा ये करेगी और लंबे समय तक इंडिया टीम में बनी रहेगी, अच्छा प्रदर्शन करेगी देश के लिए। और आज इस पूरे स्टेडियम में बड़ी खुशी का माहौल है, सारे खिलाड़ी यहाँ के खुश हैं, और मेरे समझ से तो क्रिकेट जगत में, बिजनौर के क्रिकेट इतिहास में ये पहली खिलाड़ी है जो इंडिया टीम में सिलेक्ट हुई है, और मुझे बहुत खुशी है और बहुत अच्छा लग रहा है। सभी के साथ हमने मिठाई खाई, मदर आई थी, मैंने उनकी ग्रैंड मदर को अपने हाथों से मिठाई खिलाई, और मुझे बहुत अच्छा लगा।